निजामी ने किया जनसंपर्क, केंद्र व राज्य की गिनाई उपलब्धियां, विपक्ष पर जमकर बरसे भाजपा जिला अध्यक्ष। जी हां, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आतिफ निजामी ने बाकरपुर खरेर के सैकड़ों परिवारों से जनसंपर्क कर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। 20 दिवसीय भाजपा परिवार संकल्प जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से घर घर संपर्क कर प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल की एक साल की उपलब्धियां व केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को मोदी पत्र अवगत करवाया। इसी के साथ कोविड-19 के लिए जागरूक कर मास्क व सैनिटाइजर वितरण भी किया। आतिफ निजामी ने कहा कि मुस्लिम समाज को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने वाले दलों को 2022 में मुस्लिम समाज एकजुट होकर भाजपा को वोट करे। आज आपके ये जो गांव है बाकरपुर खरेर, आज हम बाकरपुर खरेर के अंदर आए हुए हैं और तमाम जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं उन सबको जागरूक कर रहे हैं कोविड-19 के लिए, जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है या जिसकी वजह से अभी लॉकडाउन लगा था, तो हम लोग इस बीमारी को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये पहले वो हमें सैनिटाइजर दीजिए, हम सबसे पहले तो आपको ये सैनिटाइजर भी देंगे, ये मास्क भी देंगे हम आपको, और माननीय मोदी जी का एक पत्र लेकर आए वो भी हम आपको देंगे। तो हम चाहते हैं पहले तो आप सैनिटाइजर करिए ताकि अगर आपके हाथों में कीटाणु है कुछ है तो कम से कम उसकी पहले सफाई हो जाए, दोनों हाथों को इसमें मल लीजिए। उसके साथ साथ हम आपको ये मास्क दे रहे हैं, ये मास्क है जो आपको फेस पे लगाना है। अगर मान लो आपको कहीं बाजार में जाना है या गाँव में कहीं अपने कोई खरीदारी करने जाना है, किसी से मिलने जाना है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। सब लगा लीजिए, आप भी लगाइए। अच्छा, इसी के साथ साथ जैसे आज हमने आपको ये मास्क दे दिया, अब हम बार बार तो आ नहीं रहे भाई, ये निःशुल्क दे दिया, आज आपको हमने फ्री में दिया है, कल को अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप मार्केट से मोल खरीद कर भी लाओगे, है ना। तो हम ये चाहते हैं जैसे ये अंगोछा है या रुमाल या घर में कोई भी फटा पुराना आपके पास कपड़ा है और वो फट गया है, आप उसे इस्तेमाल नहीं ले सकते, उसका एक बीच का कपड़ा निकालो, उसे रुमाल बना लो, उसे साबुन से या सर्फ से किसी भी तरह से अच्छी तरह से आप धो लो, उसे आप इस्तेमाल करो, और जब आप बाहर जाओ तो इस्तेमाल करो, घर में आओ तो फिर उसे धो लो, तो वो लंबे पीरियड तक गलता रहेगा और एक हमारे घर में जो कपड़ा पुराने हैं वो यूज़ भी हो जाएगा और हमारा पैसा ही बचेगा, है ना। तो हम लोगों को ये सारे काम करना है। अच्छा, हम आपको इसके साथ एक एक मास्क और दे रहे हैं ताकि आप अपने घर में कोई हो तो आप उसे भी ये मास्क अपना दे सकते हैं, ठीक है। और आप इसी तरह से दूसरे लोगों को भी जागरूक करने का काम करें। अच्छा, इसके साथ हम ये माननीय मोदी जी का जो पत्र आया हुआ है हम कार्यकर्ताओं द्वारा जनता के लिए भेजा गया है, इसमें जो माननीय मोदी जी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसके एक साल पूरा हुआ है, उसमें क्या क्या योजनाएं जनता के लिए चलाई गई या देश हित के लिए क्या क्या कार्य किए गए, वो सारा इस पत्र के अंदर लिखा हुआ है। एक साल की उपलब्धि पत्र है जो आप लोगों के लिए भेजा गया है, तो चाहते हैं इसे आप लोग पढ़े और अपने घर के सदस्यों को भी इसे पढ़ाने का कार्य करें और गाँव के लोगों को भी पढ़ाएं। और इसमें जो भी योजनाएं हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, बिजली का मीटर है, आपका गैस का सिलेंडर है, या स्वास्थ्य कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, तमाम ऐसी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है जिससे गरीबों का उत्थान हुआ है, वो सारी योजनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। तो अगर किसी को योजना नहीं मिल पाई तो आप उसे दिलाने का भी काम करें। हम चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों को भी जागरूक करें और इस बीमारी से हम लोगों को ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है और इससे बचना है। और कम से कम हमें जैसे आप लोग इस वक्त दूरी पे खड़े हुए हैं, जैसे 2 फीट की दूरी है, 3 फीट की दूरी बनाकर ही हमें हर जगह रहना है, भीड़ भाड़ के इलाकों से हमें जाने से बचना है, ठीक है ना।